गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। आप जो हजरात जहां पर हैं बैठ जाएं ताकि पीछे वाले भी देखें। अच्छा तकरीर सुनना है कि खाली नारा लगाना है? अगर खाली नारा लगाना है तो हजरत को वापस लेके चले जाए। अगर खाली नारा लगाना है तो हजरत को वापस लेके चले जाए। भाई हजरत आपके मेहमान चाहते हैं तो आप हजरत बैठ जाए, अदब के साथ बैठे। हजरत आपके अगर खाली नारा लगाना चाहते हैं तो हजरत को वापस लेके चले जाए। और तकरीर बहुत कम है, आप अगर तकरीर सुनना चाहते हैं तो बैठ जाए, कृपया अपनी जगह पे बैठ जाए। एक बजे हजरत की तकरीर है, अगर वक्त बहुत ज्यादा बहुत मुख्तसर है आप बैठ जाए। साथ अदब से बैठे, बैठ जाओ यार कैमरे वाले। ठीक है आप नारा लगा लो, उसके बाद हजरत की तकरीर होगी। बैठ जाओ भैया अदब के साथ, बैठ जाओ यार, थोड़ा अदब का दामन। बैठेंगे सारे लोग बैठेंगे तो हजरत को माइक। भाई बैठ जाए, आप सभी से गुजारिश है कि बैठ जाए, आप लोगों से गुजारिश है कि बैठ जाए। बैठ जाए भाई, बैठ जाए। मुनव्वर शाह इलाहाबादी के शहर के लोग हैं, मेहमान हजरत हैं और हजरत के मेहमान नवाजी हम लोग करने ऊपर ये समझिए कि बहुत अदब के साथ बैठे। अदब बैठे बैठे शहजादा आला हजरत मौजूद हैं, शहजादा हुजूर असहाबे मिल्लत हैं, मुफ्ती सलमान रजा अज़हरी साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं इलाहाबाद की सरजमीन पर पहली बार। आप हजरत बैठ जाएं, अदब के साथ बैठे, उसके बाद हजरत की तकरीर कराई जाएगी। जब तक आप नारा लगाते रहेंगे तब तक हजरत को माइक नहीं दिया जाएगा। आप हजरत बैठ जाएं, आप बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे तभी तकरीर होगी। एक घंटे का वक्त है, हजरत की ट्रेन है एक घंटे के बाद। अगर आप हजरात तकरीर सुनने के लिए आए हैं तो बैठ जाए, अगर नारा ही लगाने के लिए आए तो लगाते रहे, तकरीर ही नहीं होगी। हजरात का इस्तकबाल करना चाहते हैं, मोहब्बत से नारा लगाए मिलकर के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से असहाबे मिल्लत जिंदाबाद, शहजादे आला हजरत जिंदाबाद, शहजादे हुजूर असहाबे मिल्लत जिंदाबाद, मुफ्ती सलमान रजा अज़हरी साहब क़िबला जिंदाबाद, लब्बैक 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 या लब्बैक या रसूल अल्लाह जी फरमाएं। और तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तशरीफ़ फरमाएं। आप लोगों से गुजारिश है आप लोग बैठ जाए, खामोशी के साथ हजरत का बयान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले आला हज़रत, जज़्बे मिलादुन्नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आराम से आप हज़रात तशरीफ रखें, हजरत चूंकि मेहमान है और हजरत की एक बजे ट्रेन है, हजरत को जाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। الحمد لله الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم
وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلي واصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا حضرات میں کسی سے بھی یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی بیٹھ جائے بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں جو بیٹھے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں اس لیے کہ میں بھی کھڑا ہوں اور کھڑے کھڑے ہی تقریر سن لیتے ہیں بس آج کا جلسہ اسی ہے جہاں ہیں وہیں کھڑے رہے اسٹیج سے آپ ایک بار درود پاک پڑھ لو اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا میرے عزیزو یہ محفل رسول ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر کرنے ہم آئے ہیں کوئی کسی سے نہ کہو بیٹھ جاؤ جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھے جس کو کھڑا ہونا ہے کھڑے رہے تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ہوں آج محفل مصطفیٰ میں آپ تشریف لائے ہیں اس کا ادب نہایت ضروری ہے میرے عزیزو یہ مت سمجھنا کسی سیاسی پارٹی کے یا کسی سیاسی نیتا کو سننے کے لیے آپ آئے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے اور ایک بات یاد رکھو جوش کے ساتھ ہوش بھی رہنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا اگر ادنا سا بھی کوئی گستاخ نکلا یا حضور پاک کی شان میں ان کے دربار میں ان کی مجلس کی توہین ہوئی تو سارے اعمال برباد کیے جا سکتے ہیں سارے اعمال برباد ہو جائیں گے محفل رسول میں ہے میں جانتا ہوں آپ کا جوش و خروش کیا ہے ساتھ ہی تھوڑی دیر آپ اپنے وجدان کو سنبھال کر رکھیں اگر مجھے سننا ہے تو تھوڑی دیر ہوش میں بھی رہنا ہوگا میرے عزیزو الہ آباد کی اس سڑک پر آج محفل رسول منا کر کے ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ہم اہل سنت و جماعت ایک رات دو رات حضور کا جشن نہیں مناتے بلکہ ہمیں ہمارے امام نے یہ سکھایا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں اسی جوش و جذبے کو دیکھ کر کے شاعر نے پکارا تھا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی پوری کائنات میں آج دنیا میں سب سے زیادہ کسی کو گھبراہٹ ہے تو یہی عاشقان مصطفیٰ سے ہی گھبراہٹ ہے الہ آباد کے غیور نوجوانوں اتنے دن تک تم کہاں تھے
काश ये जोश वाले पहले से मुझे मिले होते। बहरहाल तुम्हारा ये जोश और खरोश सिर्फ नामे मुस्तफा पर होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफादारी के लिए होना चाहिए और हमारा नारा हमेशा यही होना चाहिए, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। हम तवज्जो, आपका ये जोश इस तरह जो जलसों में होता है, इसी वजह से अक्सर जलसे वाले हमें रात के 2 बजे के बाद लाते हैं स्टेज पे, इसलिए कि 12 से पहले काफी जोश होता है और इस जोश में मैं भी आ जाऊं तो जोश अला जोश हो जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे तो लगता है आप तकरीर सुनने के मूड में नहीं है, नारा लगाने के मूड में। माइक को सही करो। थोड़ी देर तक आप गुफ्तगू सुनेंगे आप तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, वरना मैं सलाम करके आपसे रुख्सती लेता हूं। तो थोड़ी देर तक आप नारों को भी खामोश रखें, साथ में मिलाकर सब आखिर में एक साथ नारे लगा लेंगे इंशाल्लाह। आप महसूस करते होंगे अपने आस पड़ोस जो हालात हैं आज के, एक बहुत खास चीज की तरफ तो मैं तवज्जो दिला रहा हूं नौजवान, खास चीज की तरफ। हिंदुस्तान में हम मुसलमानों के जो हालात हैं इस पर काफी सर्वे हुआ, काफी रिपोर्टें तैयार की गई। आपके हालात लिखने वाले रिटायर्ड जज लोग भी पूरे हिंदुस्तान में घूम फिर करके तुम्हारे हालात लिखे गए। सचर कमेटी की रिपोर्ट, श्री कृष्णा की रिपोर्ट शायद आपके कानों तक पहुंची होगी। मुसलमान बहुत पीछे हैं एजुकेशन में, नुमाइंदगी इनकी जीरो के बराबर है। रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि आदिवासी और दलित तबके से भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। मुसलमानों की हालत जार पर मुकम्मल रिपोर्टें बनी हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, तवज्जो, जब ये कौम इतनी पिछड़ी हुई है और पूरे मुल्क में सिर्फ 14 या 15% बाकी है, 14% 15% तुम्हारी तादाद और बिछड़े हुए अलग है, एजुकेशन में पीछे, सियासत में पीछे, कियादत में पीछे, मालो मता में भी पीछे, सब चीजें खत्म हो जाने के बाद फिर मैं ये सोचता हूं कि हर मुद्दा आज टीवी डिबेट पर मुसलमान ही क्यों है। जब तुम कोई वैल्यूएबल चीज ही नहीं हो, कोई तुम्हारी हैसियत है ही नहीं, तो फिर तुम्हारे ऊपर डिस्कस क्यों होता है ज्यादा, सारा मुद्दा तुम्हारे ऊपर क्यों है। बहुत सारे चैनल तो बेचारे चल ही नहीं सकते जब तक हमारा जिक्र ना करें। कई लोगों की तो रोजी रोटियां हमारे नाम पर चल रही है, ये तो पता है। तो हर जगह ये डिस्कशन क्यों है, हर जगह यही मुद्दा क्यों है। मैंने बहुत गौर किया, एक तो बिछड़ी हुई कौम है और तादाद में बहुत कम है, एजुकेशन में पीछे है, उसके बावजूद सारे मीडिया चैनल में इन्हीं का नाम है। तो बाद में पता चला कोई तो चीज इनके अंदर है, कोई चीज तो है, उसी चीज से दुनिया खौफजदा भी है। वो चीज मैं आज आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जिससे दुनिया खौफजदा है। तुम्हारी तादाद को वो कभी नहीं देखते, तुम्हारे बिछड़ने को वो कभी नहीं देखते, बल्कि उन्हें अंदाजा है किसी दिन अगर इसी बिछड़े मुसलमान के सीने में जो हल्की चिंगारी इश्के मुस्तफा की जल रही है, अगर ये भड़क उठी तो इन्हीं में कोई सलाउद्दीन भी पैदा हो सकता है। अगर ये चिंगारी, अगर ये हल्की चिंगारी जो आज
हुजूर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो जल रही है, किसी दिन अगर ये चिंगारी शोला बन गई तो इन्हीं के अंदर से कोई खालिद बिन वली खड़ा हो सकता। दुनिया को ये पता है मोहम्मद के गुलाम अजीब होते हैं, कभी चलते हैं तो दरिया में भी घोड़े डाल देते हैं। दुनिया को ये पता है मोहम्मद के दीवाने अजीब होते हैं, कभी किसी दूसरे मुल्क का सफर करते हैं तो कश्तियां जलाकर सफर करते हैं। दुनिया को ये पता है मोहम्मद के दीवाने अजीब होते हैं, चार फकीरों के साथ हिंदुस्तान आते हैं और उसके बाद 90 लाख को कलमा भी पढ़ा जाते हैं। दुनिया को ये पता है मोहम्मद के दीवाने अजीब होते हैं, इनके पास मालो मता नहीं होता, गुदड़ी पहन करके आते हैं लेकिन 800 साल से अपनी हुकूमत जारी रखते हैं। बहुत सारे राजे महाराजे या भीख मांग करके आने वाली हुकूमतें खत्म हो गई, लेकिन सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की हुकूमत आज भी जारी है, आज भी जारी है या नहीं है? मेरे अजीजों, हम पर तो है ही है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरों पर भी है, सब पर है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो चीज तुम्हारे सीने में मौजूद है वो बहुत कीमती दौलत है, वो बहुत कीमती दौलत है, वो दौलत का नाम है इश्क मुस्तफा। यहाँ पर जो तुम्हारा जोश और खरोश है, यहाँ पर जो तुम्हारे नारे लग रहे हैं, यहाँ पर जो तुम उछल कूद कर रहे हो, वो मेरे नाम पर नहीं, वो मेरे मुस्तफा के नाम पर है। और अगर मुझे ये इज्जत मिलती है तो इसीलिए नहीं कि किसी पार्टी का नेता आया है, मुझे जो इज्जत मिलती है सिर्फ मुस्तफा करीम की निस्बत से मिलती है। ये नाज या अंदाज हमारे नहीं होते, छोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले आला हजरत, जज्बे मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ऐ नौजवानों, ऐ नौजवानों, मैं आपको ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। जब कभी तुम्हें हुजूर के बाजार में बेचने की बात करे कोई आलिम दीन, ये मत पूछना हुजूर की गुलामी करूंगा तो क्या मिलने वाला है, मत पूछना, मत पूछना कि कितना नफा दुनिया में होगा, बल्कि बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। आपने दुनिया में देखा होगा, बल्कि 14 सदियों बाद भी आज भी तारीख के जर्रीन औराक पर एक नाम चमकता है, वो हबशा के रहने वाले बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु का। हाँ, जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी में आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मकाम पर पहुंचाया कि चांद भी उन पर रश्क किया करे। नबी पाक की गुलामी में, यही तो बात मैं कहने जा रहा हूं मेरे अजीजों, जो दौलत तुम्हारे पास है वो बहुत कीमती है, तुम शायद एहसास नहीं कर पा रहे उसको, और इस दौलत को छीनने के लिए तुम्हारे पीछे बहुत सारी ताकतें लगा दी गई हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। तुम्हें पता है आप इधर तवज्जो दें, एक ही तकरीर सुननी चाहिए, दूसरी नहीं, एक टाइम पे एक तकरीर। मैं आज ये कह रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी का जो जज्बा आपके अंदर है, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यूं ही नहीं तुम्हें बयान किया था कि जो तुम्हारे पास दौलत है उसको चुराने के चोर जो है बड़े खतरनाक हैं, बड़े खतरनाक हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के आंख से काजल साफ चुरा ले। भला आपने कभी सुना है कि कोई किसी के आंखों से काजल चुराता है?
मियाँ अगर सोया हुआ बंदा भी है काजल चुराने के लिए आंख तो खोलनी पड़ेगी। आंखों पे हरकत देने के बाद जाग तो जाता है, लेकिन कुछ चोर ऐसे हैं जो तुम्हारे आंखों से काजल या सुरमा निकाल के तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो असल में बाजार में बिकने वाला वो काजल नहीं। आला हजरत ने जो फरमाया उसका मतलब ये है कि तुम्हारे आंखों का हकीकी काजल इश्क मुस्तफा है। अगर हुजूर पाक की मोहब्बत नहीं है तो तुम्हारी आंखें बेनूर हैं। दुनिया का उजाला तो देख सकती है, रहमत मुस्तफा नहीं देख पाएंगी अगर हुजूर की मोहब्बत ना हो। वो मोहब्बत मुस्तफा आंखों का काजल है और इसको चुराने वाले जो चोर हैं वो कभी तुम्हारे गली कूचों में भी होंगे, कभी मोहल्लों में भी होंगे और कभी तुम्हारे दुश्मनों में भी होंगे, लेकिन तुम्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा हिफाजत करनी है वो इश्क मुस्तफा की दौलत, इश्क मुस्तफा की दौलत है। मैं मायूस नहीं हूं अपनी कौम से, बल्कि बहुत सारे लोग ये बातें तो करते हैं। हमारी कौम में हजार इख्तलाफात हैं, सही बात है, इख्तलाफात हैं, फिरके बहुत हैं, जमातें अलग अलग हैं। मैंने भी बहुत स्टडी किया, बहुत मुताला किया, हालात को देखा है। हर शहर में सत्तर सत्तर जमातें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो जानते थे, हम पहले इससे बहुत जूझ चुके, तकलीफ तो हमें होती थी कि इतने इख्तलाफात, इतने इख्तलाफात। लेकिन चंद महीनों पहले या चंद सालों पहले हमें रियलाइज हो गया ये इख्तलाफात तो ये हिस्सा है उम्मत का, ये कयामत तक रहने वाला है। लेकिन एक बात मैंने देखा, एक बात देखा, इनका पीर अलग है, उनका पीर अलग है, उनका सिलसिला अलग, इनका सिलसिला अलग, इनकी जमात अलग, उनकी जमात अलग, हजार जमातें हैं। लेकिन आज भी मुझे फख्र है इस बात पर, जब मेरे मुस्तफा का नाम आता है तो सबकी जुबानें एक होती हैं, सबकी जुबानें एक है। मैं हिंदुस्तान के मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब तक जितनी ताकत के मुताबिक घूम सका, जा सका, देख लिया, चाहे वो किसी सिलसिले से मुंसलिक क्यों ना हो, लेकिन आज हर जवान बच्चे की जुबान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये इस बात की अलामत है, ये इस बात की अलामत है कि दुनिया तुम्हें सत्तर टुकड़ों में बांट दे, मेरे मुस्तफा का नाम काफी है जो तुम सबको जोड़ देगा, सबको जोड़ कर रखेगा। इसीलिए उस दौलत की हिफाजत करो, उस दौलत की हिफाजत करो। हमारे मुर्शिद आजम, हमारे सबसे बड़े पीर मदीने के ताजदार हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बादशाह आजम हैं, उनके बाद सारे, उनके बाद सारे। हमारा शिवा भी यही है, हम यही कहते हैं, ला युम्किनु सनाउ कमा कान हक्कु बादा खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हुजूर पाक आपकी तारीफ कोई कमा हक्कु कर ही नहीं सकता, सिर्फ इतना हासिल कलाम ये है, खुदा के बाद अगर कोई मकाम है तो मेरे मुस्तफा का। तो ऐ सुन्नियों, इस बात को अपने गुत्थी में बांध करके रख लो कि हमें हर चीज मंजूर है, गवारा है, लेकिन नामे मुस्तफा पर कोई सौदेबाजी गवारा नहीं। बाज लोग हमसे कहते हैं, मौलाना आप तकरीरें जोश में कर रहे हैं, बहुत सारे नौजवान आपके साथ आ जाते हैं, उछलते हैं, जोश में आते हैं, और कुछ तो एहतजाजात वगैरह के मौके पर जेलों में भी चले गए, तो कुछ कुछ ऐसा लगता है कि हम नहीं पहुंचाया, हम नहीं पहुंचाया। मेरे अजीजों, नामे मुस्तफा पर क्या हलवा पराठा ही खाते रहोगे या सिर्फ लड्डू और पेड़े ही खाते रहोगे? अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है तो इम्तिहान के लिए भी तैयार रहो। दुनिया हर जमाने में आजमाती रही है। आज आज की जो हुकूमत है, आज जो जुल्म के साथ आगे बढ़े, मैं तो इनको मौसमी मच्छर समझता हूँ। मौसम में आने वाले बहुत सारे कीड़े पतंगे आते भी हैं, चले भी जाते हैं, नाम नहीं होता उनका। लेकिन इससे भी बड़ी हुकूमतें, डिक्टेटर जिसको कहते हैं, 48 साल हुकूमत करने वाला,
ऐसा बादशाह जिसने दीन बदल दिया था हिंदुस्तान, अकबर। दीन इलाही नया दीन लेकर के आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन पुराना हो गया, अब एक नया दीन लाएंगे। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, हाँ, अकबर ने दीन बदल दिया था। मस्जिदों में मूर्ति भी रखी जाएगी, अजान की जगह सीप बजाई जाएगी, सब चेंज हो गया। मेरे दीन की प्रायोरिटी है वो सुबह कयामत तक रहे। अकबर के इस घिनौने जुर्म के खिलाफ जब आवाज उठाने वाले खामोश थे, तो एक आलिम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी अहमद फारूकी सरहिंदी आवाज उठाया, और ये नहीं देखा, ये नहीं देखा कि सामने अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला अकबर जैसा सख्त गिर बादशाह खड़ा है, ये जान ले लेगा, जेलों में डाल देगा। नहीं देखा, दीन मुस्तफा के लिए खड़े रहे, हक बात बोलते रहे, और इसके जुर्म में मुजद्दिद अल-फैसानी को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया अकबर बादशाह ने। इन टट्टुओं से मैं कहता हूं, क्या मुजद्दिद अल-फैसानी को मैंने पहुंचाया था? क्या वो जेल में गए थे? हमने नहीं पहुंचाया, दीन मुस्तफा की सरबुलंदी के लिए वो गए, 8 साल तक जेल में रहे। जानते हैं आशिक मुस्तफा जहां होता है, जहां जाता है, वो खुशबुएं बिखेरता हुआ जाता है, हुजूर की मोहब्बत की खुशबुएं। अकबर तो मर गया, उसका बेटा जहांगीर जब आया, उसको किसी ने खबर की कि जेल के हालात अलग से नजर आ रहे ग्वालियर के, कहा क्या बात है, जाकर के देख दिया, कहा तकरीबन 800 कैदी जेल के अंदर आलिम बन चुके हैं। मुझे दीदे अल-फैसानी को जेल में डालकर देखा, तुम इस दीन की जड़ को जहां काटने की कोशिश करोगे वही पौधे लगाए जाएंगे, वही पौधे लगेंगे। और तो और इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखना, जहां से रब्बे ज़ुल-जलाल की अजानों की आवाज रोकने की कोशिश करेंगे, वहां के हर घर के बच्चे से अजान की आवाज आएगी। ये रहमानी आवाज है, ये रब्बानी आवाज है। मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने स्ट्रगल किया, और मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं मेरे अजीज बच्चों, जोश तुम्हारा अपनी जगह पर, लेकिन होश के साथ काम करो हमेशा। अब उस बात की तरफ भी मैं आता हूं, मैं प्रोटेस्ट और एहतजाज का कायल नहीं हूं, पहले हमने भी बहुत किए, लेकिन हमने देखा कि जालिम ताकतें इसी आस में खड़ी हैं कि 100-200 नौजवान अंदर चले जाए मुसलमानों के, तुम बचो, सड़कों पर उतरना या वायलेंस करना। कभी कभार तो ये होता है कि तुम कुछ करते नहीं, लेकिन कोई और कर जाता है, जिसकी पादाश में तुम अंदर रहते हो। इसीलिए होश के साथ सबसे बेहतरीन एहतजाज ये है, सबसे बेहतरीन एहतजाज जिस चीज पर वो कदगन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नाम मुस्तफा की बात आती है, तो हमारे हजार नौजवान प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर तो उतर सकते हैं, लेकिन ये वादा क्यों नहीं करते, जालिमों मैं कल से मेरे नबी की सुन्नत पर अमल करके दिखाऊंगा, मैं अमल करके दिखाऊंगा। क्या हमारे नौजवानों में इतने गट्स नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है? अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर उंगली उठाता है सड़क पर उतरने की बजाय, तुम्हारा चैलेंज ये होना चाहिए, अब से तुम देखोगे मैं मुकम्मल लिबास मुस्तफा में सड़क पर आऊंगा। तुम्हें शर्म किस बात की? तुम्हें शर्म किस बात की? मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या तुम्हारा यह अकीदा है या नहीं कि कायनात का सबसे हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का? अकीदा है, हर नौजवान का अकीदा है, लेकिन शर्म के साथ अपने सीने पर हाथ रखो, शर्म के साथ, जिसको तुम कायनात का सबसे हसीन चेहरा कहते हो, फिर उसके चेहरे की तरह तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं बनता? कायनात का सबसे हसीन चेहरा है, फिर तुम्हें उसके चेहरे की इक्तिदा करने की बजाय ये अहरे गहरे नच्चू खेरे के पीछे चलने में क्यों शौक होगा? कभी सोचते हो इस बात को
और फिर कुछ लोगों को ये शर्म है, अरे दाढ़ी रख लूंगा मौलाना, मुझे लोग मुल्ला जी कहें, हजार भोंकने दो, तुम किसी ऐरे गैरे के लिए नहीं मेरे मुस्तफा के लिए जी रहे हो। मेरे मुर्शिद ने कहा था जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर जीते हो किसी के ताने का क्यों ख्याल करते हो, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा, मैं आपको बताऊं, इसी में तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाती है। कोई कुछ नहीं बोलेगा मरने के बाद, सिर्फ इन्ना लिल्लाह बोलेगा, और क्या बोलेगा, दाढ़ी रखूंगा ये बोलेगा, टोपी पहनूंगा फला, कुछ नहीं। अपने इस लिबास पर फखर करो, दुनिया अगर नंगा घूमने पर फखर करती है, मैं लिबास मुस्तफा में फखर करूंगा। किसी को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती है? नहीं देखते, बालियां पहन लिया, बगड़ियां पहन लिया, नथनियां पहन लिया, सब कुछ हो गया, साड़ी पहनना बाकी रह गया। इतना बदल गया फिर भी वो फखर करता है, दुनिया का फैशन है। ऐ गयूर नौजवानों, मेरे मुस्तफा की सुन्नतों पर हकीकत में फखर होना चाहिए, हकीकत में फखर हो, हकीकत में इस बात पर फखर हो। मुझे मैं ये बात बीच में आई तो अर्ज करता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिबास में जो इज्जत है वो दुनिया में कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। ये अमामों को देखो, मिंबर पर कुर्सियों पर बिठाए जाते हैं, और तुम कहीं पर भी चले जाओ, इस लिबास का रौब है और इस लिबास की इज्जत है। हुजूर पाक के अखलाक की इज्जत है। हमारी उम्र ज्यादा तो नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम छड़ी लेके चलते थे। बाज़ उलमा हमसे कह रहे थे कि ये आसा और ये लकड़ी अभी से क्यों लेके चल रहे हैं, सुन्नत है मेरे मुस्तफा की। एक जवाब तो यही है, बाकी तो मैं ये भी कहता हूँ, लकड़ी हमेशा कमजोर लोग ही नहीं लेते, कभी कभार इसलिए भी लेके चलते हैं कि कुत्ते करीब ना आए। हाँ, जब आसा साथ में होता है तो कुत्ते करीब नहीं आते। अल्लाह ताला हर तरह के कुत्तों से हमारी हिफाजत फरमाए। मेरे अजीजो, हमारा शौक है, हमारा शौक है, पता नहीं बुढ़ापे तक की उम्र देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कोई अदा हमने किताबों में पढ़ी है तो शौक ही होता है, अभी से अमल कर ले, अभी से अमल कर ले। जिंदगी का भरोसा नहीं कि उस वक्त तक हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। मैं तुम सबसे ये कहना चाहता हूं, जिस दिन तुमने ये अहद कर लिया, मैं पूरे मजमे की बात तो नहीं करता, काश इसमें 10 नौजवान ऐसे खड़े हो जाएं, सिर्फ 10 लोग ये वादा कर ले कि मैं जीऊंगा तो मेरे मुस्तफा के किरदार में जीऊंगा। इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, तुम देखना। अल्लाह ताला का वादा है कुरान में, वला तहिनु वला तहजनु वअंतुमुल आलाउ इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा कामयाब रहोगे, लेकिन अल्लाह ने एक शर्त रखी है, शर्त है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो गए। और ईमान वाला कहते किसे हैं, ईमान किसे कहते हैं, ला यूमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्ब इलैही मिन वालिदिही व बलदिही व الناس اجمعین। खुद रसूल पाक फरमाते हैं, तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं बन सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक सारी दुनिया के लोगों से ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत न कर। हुजूर पाक से जब सबसे ज्यादा मोहब्बत करेगा वो ईमान वाला है, और उसकी कामयाबी की अल्लाह खुद जमानत देता है, उसकी कामयाबी की अल्लाह ताला खुद जमानत देता है। मैं आपको बताऊं, एक वक्त था खत्ताब के बेटे उमर का, जो अभी ईमान लाए हुए नहीं थे, लेकिन मक्का में एक आम पहलवान की हैसियत, बल्कि अपने बचपन का वाकया खुद बताते हैं, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला कि मेरी हालत ये थी कि मेरे बाप मुझे बकरियां संभालने के लिए देते थे, दो बकरियों को मैं लाइन में नहीं लगा पाता था,
कभी एक बकरी इधर हो जाती कभी इधर हो जाती। मेरे बाप से मैं घोंसे खाता था, रोजाना मारते थे मुझे, बकरियां नहीं संभाली जाती थी। लेकिन एक वक्त आया उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने कैसर और किसरा जैसे सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। कौन कौन सी सल्तनतें आपके जेरे नहीं आई जानते? सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने तन्हा मदीने में होते मिस्र पर आपकी हुक्मरानी, यमन पर आपकी हुक्मरानी, शाम पर आपकी हुक्मरानी, ईरान पर आपकी हुक्मरानी और फिलिस्तीन पर आपकी हुक्मरानी, पूरे हिजाज और नजद पर आपकी हुक्मरानी। आज के जमाने का तकरीबन 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर तन्हा उमर फारूक हुक्मरानी कर चलते और खुद फरमाते हैं ऐ लोगों, आज जो इतनी बड़ी हुक्मरानी अल्लाह ने मुझे दी है वो इसलिए नहीं कि खताब का बेटा उमर है, इसीलिए दी है कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तवज्जो सुन, वही सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आज आपको मैं बताऊं, अगर आप कोई पूछता है कि उनकी गुलामी में क्या नफा है, सुनो, मिस्र जब फतह हुआ, मिस्र जब फतह हुआ, हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अम्र बिन आस वहां से खत लिख करके भेजते हैं कि यहाँ का एक अजीब मामला है, दरिया नील एक बहुत मशहूर दरिया है, आपने सुना है दरिया नील का नाम मिस्र में। ये दरिया साल में एक बार सूख जाता था और मिस्र वालों का ये तरीका था कि साल में एक बार एक जुलूस निकलता शहर वालों का और 16-17 साल की जो सबसे खूबसूरत लड़की होती उसकी भेंट चढ़ाई जाती थी दरिया में, बलि चढ़ाना। इस्लाम में नहीं है ये, हाँ बलि चढ़ाने वाले अगर आज भी हैं तो सुनो, एक लड़की की भेंट चढ़ा दी जाती थी, बलि चढ़ा दी जाती थी और फिर दरिया लबालब पानी से भर जाता था। मिस्र वालों का मामूल था और जब इस्लाम वहां पर आया हजरत अम्र बिन आस ने देखा दरिया सूख गया जैसे हर साल सूखता था। मिस्र वालों ने आकर के कहा हमारा मामूल है साल में एक जवान लड़की की बलि देनी पड़ती है। उस सहाबी ने कहा मैं तो ये होने नहीं दूंगा। लोगों ने कहा अगर नहीं देंगे तो पानी नहीं आएगा। उन्होंने कहा मैं ये मामला अमीरुल मोमिनीन के पास लिखकर भेजता हूँ। लिख करके भेजा। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास ये मामला आया तो आपने देखा और उसके बाद एक खत अम्र बिन आस को लिखा कि तुमने जो कहा बिल्कुल सही है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, इस पर जमे रहो, इस पर डटे रहो। और एक खत दरियाए नील के नाम पे लिखा। आज तक कभी सुना किसी को कि किसी पानी को और दरिया को भी किसी ने खत लिखा हो? ये है मोहम्मद अरबी के गुलामों के करामात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ दरिया नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो अल्लाह का बंदा उमर तुझे हुक्म देता है कि जारी हो जा, और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं चलता तो तेरी हमें कोई जरूरत नहीं। ये खत में जुमले थे और हजरत अम्र बिन आस को लिख करके भेजा, एक खत तो तुम्हारा है और एक खत दरिया नील में डाल देना, दरिया नील में डाल देना। जब ये खत पहुंचा हजरत अम्र बिन आस ने दरिया नील के नाम पर अमीरुल मोमिनीन का आया हुआ खत ले जाकर दरिया में डाला। रिवायात बताती अचानक जोश आया पानी में
और 16 कस्ब ऊपर पानी पहुंचा। आज 14 सदियां गुजर गई, ना कभी किसी की भेंट चढ़ाई जाती है, ना बलि चढ़ाई जाती है। दरियाए नील आज भी लबाला भरा हुआ रहता है। मेरे अजीजों, मैं बताना ये चाहता हूँ, अगर कोई पूछता है मोहम्मद अरबी की गुलामी में क्या फायदा है, आओ देखो। फायदा तो दिलों पर चलता ही चलता है, लेकिन अल्लाह की कायनात की हर शय पर मेरे मुस्तफा के गुलामों का राज चलता है, राज चलता है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई लेकर वक्त नमाज, क़िबला रूहों की जमीन बोझ हुई कौमे हिजाज। एक ही सब से खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। और हमारे असलाफ की तारीख ये है, तुम कहां भूल गए ये तारीख, हमारे बुजुर्गों की तारीख ये है। टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे देख क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जज़्बे मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार। जो इज्जतों में कमी आज देखने को मिल रही है, सिर्फ उसकी वजह यह है कि तुम्हारा चेहरा फिर गया, तुम्हारा चेहरा फिर गया। तुमने अखलाके मुस्तफा को छोड़कर पता नहीं किसके किसके दामन में पनाह ढूंढना शुरू किया। आज मैं नौजवान बच्चों से कहता हूँ, क्या तुम्हारी सारी जिंदगी बॉलीवुड और हॉलीवुड के चक्कर पर घूमती है? क्या तुम्हारे जीने के तरीके यही हैं? आज दुनिया तुम्हारे चेहरे देखकर पहचान नहीं पा रही कि इसमें हम कैसे ढूंढे मदीने वाले का कौन है, कैसे पता चले दुनिया को ताजदारे मदीना के अखलाक कहां चले गए। मेरे अजीजों, ये आज हमारा दर्द है। हो सकता है तुम एंटरटेन करते हो, लेकिन मेरे मुस्तफा की जब याद आती है तो दर्द होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के लिए अपने सगे चचा अमीर हमजा का चबाया हुआ कलेजा देखा मैदान उहद में। किस लिए? कि दीन तुम तक सही सलामत पहुंच जाए। असलाफ की कुर्बानियां तुम्हें याद नहीं रह गई, हमारे बुजुर्गों का खून जो बहा वो तुम्हें याद नहीं रह गया। आज हर नौजवान के हाथ में मोबाइल फोन आ गया तो ये समझता है कि इंटरनेट की दुनिया में मैं जो चाहूं कर लूं। रात रात भर गेम में गुजर जाना, गंदी ओरियां और नंगी तस्वीरें देखकर अपने ईमान और अखलाक को तबाह करना। एक दो नहीं हजारों नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हया का कत्ल कर दिया। उनकी आंखें आज वीरान हैं, चेहरे पर से रौनक खत्म हो चुकी है। क्यों? तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम थे। आंखें अगर बचा कर रखना था तो सिर्फ आमिना के लाल के लिए। तुम्हें जो आंखें दी गई, क्या आज तमन्ना नहीं करते कि मुझे भी रसूल पाक का दीदार हो जाए? हर एक तमन्ना करता है, लेकिन कभी सोचते हो किन आंखों से मैं देखूंगा, किन आंखों से उस अजीम हसीन चेहरे को देखूं, जबकि रोजाना मेरी आंखें बेहयाई कर रह जाती हैं। ऐ नौजवानों, बदलो अपनी जिंदगी को, कामयाबी कहीं दूर नहीं गई है, तुम्हारे आसपास, बस तुम्हारे खड़े होने की देर है। जितना जोश तुम्हारे नारे में है, उतना जोश तुम्हारे ईमान के अंदर आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यकीनन मर मिटने का जज्बा तो है। अरे मेरे अजीजों, मुझे ताज्जुब होता है कि तुम कीमती चीज तुम्हारी गर्दन कटाने को तैयार हो। क्या अभी मैं पूछूं तो सबके हाथ नहीं उठेंगे? नबी पाक की इज्जत के लिए, उनके कदमों के लिए क्या हम अपनी जान निछावर करने को तैयार नहीं है? हर एक तैयार है,
हर एक हाथ उठाकर कहेगा मेरी गर्दन मेरी गर्दन मेरा खून मेरे मुस्तफा करीम की इज्जत के लिए कुर्बान। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, गर्दन जैसी अजीम दौलत और कीमती चीज जब तुम कुर्बान करने को तैयार हो तो दुनिया की एक हकीर चीज गुनाहों को अपने से दूर करने के लिए क्यों नहीं तैयार? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तुम गाने सुनना नहीं छोड़ सकते, बेहयाई नहीं छोड़ सकते, उरिया और गंदी चीजों को मेरे नबी की मोहब्बत में नहीं छोड़ सकते? हमने तो दुनिया में देखा है, आज दिल का जो आशिक होता है किसी लैला का, उसको बदलते हुए देखा है। कई ऐसे नौजवान ताजा ताजा इश्क हुआ है, बाल भी बदल गए, चेहरा भी बदल गया, कपड़े भी बदल गए। क्यों मियां? अभी अभी लैला से इश्क हुआ है और लैला को ऐसे बाल पसंद है, ऐसे कपड़े पसंद है। दुनिया के मजाजी इश्क में तुम अपने आप को बदल जाते हो, वो भी ऐसी लैला के इश्क में जो पता नहीं कितने दिन के बाद तुम्हें छोड़ दे। उस मुस्तफा के लिए अपने आप को क्यों नहीं बदला जो तुम्हें दुनिया में भी ना छोड़ेगा, कब्र में भी नहीं और हश्र में भी? आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह तआला ने इसीलिए हमें 100 साल पहले ये समझाया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कल तो वहां सब मानेंगे हुजूर की इज्जत देखकर, वहां हुजूर पाक की रिफात देखकर हर कोई कहेगा मैं भी आपका था, मैं भी आपका था। कमाल तो ये है कि आज हो जाओ, आज हो जाओ, आज अगर मुस्तफा करीम के लिए तुमने दुनिया को तर्क किया तो तुम दुनिया से जाओ की भी तो बड़ी इज्जत के साथ जाओ, बड़ी इज्जत के साथ। मैंने देखा है मनसब की तो इज्जत होती है, कुर्सी की तो इज्जतें होती है, आज ओहदों की इज्जत होती है, लेकिन जनाजों की जो इज्जत होती है वो हमने बरेली में देखा। किस बात पर? एक ताजु शरिया का जनाजा था, लाखों के दीवान दीवानों को जनाजे में शरीक होने के लिए एक दूसरे पर सबकत करते देखा। अवाम तो अवाम, वक्त के मुहद्दिस फकीर उलमा कतारों में खड़े किस लिए? इसलिए नहीं कि हुकूमत के तख्त पर बैठा हुआ एक नेता जा रहा है, इसलिए कि अपनी जिंदगी मुस्तफा की मोहब्बत में फना दिया हुआ आशिक जा रहा है। जब एक आशिक रसूल दुनिया से जाता है उस वक्त उसकी इज्जत देखने की होती है, वो जनाजे में तो होता है लेकिन जुबान हाल से ये कहता जाता है मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। और एक बात बता दूं, ताकत और कुव्वत सिर्फ कुर्सी पर बैठने वाले की नहीं होती, ताकत और कुव्वत सिर्फ और सिर्फ बॉडी बनाने से नहीं होती। हमने माजी करीब में देखा है यूरोप के मुल्कों में, हॉलैंड में, हॉलैंड जैसे पॉश कंट्री के अंदर पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है, एक मौलाना बड़ा डेंजर है, एक आलिम बड़ा डेंजर है। यूरोप की धरती पर डिस्कशन किसी बात का हो रहा है तो
तो दुनिया ये कह रही है व्हील चेयर पर बैठने वाला एक खादिम हुसैन है। अरे पैरों से तो मांजूर है, पैरों से मांजूर है, खड़ा नहीं हो सकता, फिर तुम क्यों डर रहे हो? इसलिए कि दुनिया को पता है हकीकी ताकत सिर्फ कुर्सी से नहीं होती, हकीकी ताकत इश्क मुस्तफा का नाम है, वो जिस सीने में होती है वो इंकलाब ले आता है, वो पूरी दुनिया की दुनिया बदल कर रखता है। इसीलिए हक बात बोलने वाले उलमा को फांसियां भी दी गई है, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया है, इसीलिए कि इनके पास जो ताकत है वो इश्के मुस्तफा की ताकत है। अजीजाने गिरामी इसको हल्के में मत लेना। इसलिए मैं आज आपको बताऊं, मैंने महसूस किया हमसे रुखसत हुए उस आलिम रब्बानी की तुर्बत पर अल्लाह करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। आज से 100 साल बाद भी अगर कोई इसमें जिंदा रहा तो देख लेना, याद करना, ये नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह का कभी थमने वाला नहीं रुकेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बस यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे रसूल, ये जहां जीत है क्या? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। लब्बैक का मतलब क्या होता है? लब्बैक का मतलब होता है हाजिर है, हाजिर है या रसूल अल्लाह, यहाँ हाजिर है और जहाँ जरूरत पड़ेगी आपके लिए हाजिर है या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सरकार आला फरमाते दहन में ज़बा, दहन में ज़बा, बदन में हिजा, हमारे यहाँ उठे भी वहाँ, ज़मीनों ज़बा, मकीनों मका, चुनीनों चुना, बने दो दहा, हमारी रजा, हमारी ज़बा, या रसूलल्लाह आपके लिए हो जाए बेड़ा पार, हो जाए काम बन जाए, जिए तो आपके लिए और मरे तो आपके लिए, आपके कलमे पे आपका नाम लेते लेते मौत आ जाए, जब तमें वापसी हो या अल्लाह, लब्बे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, दुरो तैबा के शम्सु तुगा तुम पे करोड़ो दुरो काब